दूसरी बात आती है, जायज ही नहीं मैम, मैं जी जी बताऊं मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आती, सही बात है। मैंने तो एक हार्ड स्टेप लेने की कोशिश की बिल्कुल, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, जैसे आप लोग भी चाहती होंगी कि कुछ तो किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, लेकिन अपने लेवल पे जो मैं कर सकती हूँ, जो मुहिम चला सकती हूँ, मैं चला रही हूँ, बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि मैं तो अपने बच्चे को वो संस्कार दे रही हूँ, लेकिन खुदा ना खास्ता 15, 16, 17, 18, 20, 22, 30, 35 अगर इस तरह का केस आए तो रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल रोंगटे, वो जो चेहरा, वो जो मासूमियत, वो जो 9 महीने का दर्द है, और वो जो चीखे हैं, जो चीखे 2012 बस में, मुझे माफ कीजिएगा 2012 चलती बस में, सोचिए यहां बैठी सभी महिलाएं, सभी पैनलिस्ट सोचिए कि जब चीखी होगी निर्भया, जब चीखी होगी हैदराबाद की लड़की, चीखी होगी कासगंज, कठुआ सभी की लड़की, तो दर्द उसके अंदर कितना होगा, आवाज कितनी ऊंची उठाई होगी उसने, लेकिन सिर्फ इग्नोरेंस, सिर्फ इग्नोरेंस, शायद कहीं कुछ लड़ाई कर रहे होंगे, ये इग्नोरेंस था कि एक लड़की जल गई, ये इग्नोरेंस था कि 5 साल 7 साल जो कहते हैं कि छोटे कपड़े दोषी हैं, मैं पूछती हूं 5 साल की लड़की, ऐसा क्या आपके अंदर, ऐसा कौन सा आकर्षण पैदा करती है, सोच है आपकी, मानसिकता है, डूब मरे आप, डूब मरे, देश की आधी आबादी खड़ी नहीं हो पाती है, डूब मरे आप, देश की आधी आबादी अपनी आवाज नहीं उठा पाती है, तो डूब मरना चाहिए हमें, हम नहीं होते हैं लड़कों पर उंगली उठाने वाले, हमें जरूरत है आज अपने लड़कों को सुधारने की, और लड़कों को सुधारने की बात नहीं होती है, लड़कियां कंट्रोल में रखो, कपड़े क्यों ऐसे पहने, सिगरेट क्यों पिया, शराब क्यों पिया, सिगरेट और शराब से अगर ये होने लगता ना, तो तमाम राजनेताएं भी जो है ना, वो जब चलती अगर इसे, मैं कहती हूं, मैं गारंटेड कहती हूं कि उतार दीजिए किसी को इस तरह छोटे कपड़े में रात के 12 बजे भी, और कोई हिम्मत नहीं करेगा उन्हें टच करने की।